खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज वो शेखर से मिलने ब्लाइंड डेट पर आई थी। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। पूरा रेस्टोरेंट खाली था, जिसे देखकर मोना के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहाँ मौजूद म्यूजिशियन रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा था। तभी मैनेजर ने आकर मोना से कहा, मोना मैम आइए अंदर आइए। मोना ने आंखों में बेचैनी लिए पूछा, ये पूरा हॉल खाली क्यों है, यहाँ कोई और गेस्ट नहीं है? मोना का सवाल सुन मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम शेखर सर ने आपके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ये सुनकर तो मोना के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो जाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने लाल रंग का बेहद खूबसूरत गाउन पहना था। उसका हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जैसे ही देखा तो मानो उसकी सांसें थम सी गई। सामने से बेहद हैंडसम शेखर चला आ रहा था। लंबा चौड़ा शेखर ऐसा लग रहा था मानो कोई सुपरस्टार वहां आ गया हो। उसके चेहरे को देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो सकती थी। शार्प फीचर्स, गोरा चेहरा और आंखों पर काला चश्मा। उफ, कितना हैंडसम लग रहा है ये। और स्टाइल तो देखो, रात को भी सनग्लासेस लगाए हुए हैं। रात को चश्मा कौन पहनता है भला? मोना ने शेखर को देखते ही पसंद कर लिया और उसके दिल में हजारों तितलियां उड़ने लगी। शेखर उसके करीब आया और मोना ने हेलो करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो शेखर ने कुछ नहीं किया। मोना को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, एक खूबसूरत लड़की कब से अपना हाथ आगे बढ़ाए खड़ी है, आपको नजर नहीं आ रहा? शेखर ने जवाब दिया, नहीं। नहीं मतलब? माना मैं आप जितनी स्टाइलिश नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत हूँ, इतना तो नज़रअंदाज मत करो, मोना ने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में कहा। इस पर शेखर ने जो कहा उसने मोना के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दिया मोना। ये सुनकर मोना थोड़ी हिचकिचाई और बोली, कहना क्या चाहती हो? मोना तुम मेरा एक राज नहीं जानती हो। दरअसल 5 साल पहले हुए मेरे एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी आंखें खो दी हैं, मैं देख नहीं सकता। शेखर की बात सुनते ही मोना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो एक अंधे के साथ किसी कीमत पर शादी करना नहीं चाहती। पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो परेशान हो गई कि वो आखिर इस शादी से कैसे बचेगी। घर आकर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मॉम मुझे शादी नहीं करनी, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो आप मुझे जहर देकर मार दें। मोना अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोए जा रही थी। उसका चेहरा देर तक रोने की वजह से उतर चुका था। उसकी माँ भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त मोना का दुख काफी ज्यादा था। मोना ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जिस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए इतनी खुश थी उसको वहां इतना बड़ा झटका लगेगा। मोना बेटा प्लीज इस तरह से मत रो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। मैं कभी तुम्हारी शादी किसी अंधे इंसान से नहीं होने दूंगी। अब प्लीज चुप हो जाओ, तुम इस तरह से रोते हुए देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मोना की माँ ने उसे चुप कराते हुए कहा। इस वक्त उन्हें अपने पति पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये सब उन्हीं की गलती थी। उन्होंने शेखर के अंधे होने की बात सबसे छिपाई क्यों? चाहे शेखर का परिवार कितना भी पावरफुल और अमीर क्यों ना हो, मगर फिर भी कृतिका वर्मा कभी भी अपनी बेटी को एक अंधे लड़के से शादी करने के लिए नहीं कह सकती। तभी उसके पति राजेंद्र कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मोना की माँ कृतिका ने तेज आवाज में कहा, राज मोना और शेखर की शादी कभी नहीं हो सकती। आप अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को इस तरह से नर्क की आग में कैसे धक्का दे सकते हो? राजेंद्र वर्मा ने एक गहरी सांस ली और काफी मजबूर होते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब करना चाहता हूँ? लेकिन तुम्हें भी हमारे परिवार की हालत के बारे में अच्छे से पता है। हमारे ऊपर इतना सारा कर्ज है, वो लोग करोड़पति हैं। अगर मोना की शादी हो जाती है तो हमारी फैमिली कंगाल होने से बच जाएगी। शेखर के परिवार ने वादा किया है कि अगर हमारा परिवार उन्हें अपनी बेटी देने के लिए मान जाएगा तो वो लोग अपनी कंपनी के 10% शेयर हमारी बेटी के नाम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वो लोग हमें सामने से दहेज देंगे, और वो भी 20 करोड़ रुपए। इससे पहले कि राजेंद्र अपनी बात पूरी कर पाते, मोना और उसकी माँ दोनों ने अपने आंसू पोंछे और एक पल को पैसों की चमक उनकी आंखों में साफ दिखाई देने लगी। 20 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन एक अंधे से शादी? कुछ देर सोचने के बाद मोना ने अपनी माँ से कहा, शेखर मल्होत्रा के परिवार के पास 100% शेयर है, मुझे वो सारे के सारे चाहिए। और मॉम 20 करोड़ रुपए सच में बहुत है, इतने पैसों से तो हमारी फैमिली शहर की एक नामी गिरामी फैमिली बन जाएगी। इसके बाद हम जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी जी सकते हैं। कृतिका वर्मा को लगा कि शायद उनकी बेटी ने अपना फैसला बदल लिया है। वैसे तो इतनी सारी चीजें देखकर एक पल को वो भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो रही थी, मगर फिर भी
जब उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक अंधे के साथ बिताने वाली है, तो उन्होंने तुरंत कहा, अपने आप को संभालो मोना, किसी भी चीज के लिए इतनी जल्दी हाँ कहना ठीक नहीं होगा, इस बारे में एक बार फिर सोच लो। उनकी बात सुनकर मोना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत काफी एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, आप गलत सोच रही हैं मॉम। ये सुनकर उसके पिता और माँ हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मोना ने कहा, डैड, वो लोग आपकी बेटी से शेखर की शादी करवाना चाहते हैं, राइट? राजेंद्र ने हाँ में सर हिलाया। तब मोना ने कहा, तो क्या आप लोग भूल गए हैं क्या कि आपकी एक और बेटी भी है? उस अंधे से शादी मैं नहीं बल्कि अंशिका करेगी। अंशिका की शादी के बाद वो पैसे हमें मिल जाएंगे और कंपनी के शेयर भी। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? मोना की बात सुनकर एक पल को कृतिका और राजेंद्र दोनों का चेहरा खिल गया। वर्मा परिवार में दो बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी मोना कृतिका वर्मा और राजेंद्र की बेटी थी। वो बेहद खूबसूरत और समझदार थी। इसके साथ ही साथ शहर भर में उसकी खूबसूरती के चर्चे भी थे। हर कोई उसके आसपास रहना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। वहीं उनकी दूसरी बेटी अंशिका राजेंद्र वर्मा के एक बेहद अच्छे दोस्त की बेटी थी, लेकिन उसके पैदा होने के कुछ देर बाद ही एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से राजेंद्र वर्मा ने उसे गोद ले लिया था और उसे अपनी ही बेटी की तरह पाला था। मगर सच्चाई तो ये थी कि अंशिका मोना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ तक कि जो कोई भी उसे देखता था बस देखते ही रह जाता था। उसका चेहरा हर किसी को मोह लेता था। लेकिन जब वो 12 साल की थी, तब सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके सिर पर एक गहरी चोट लग गई थी और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। लेकिन आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया था कि वो सीढ़ियों से किस तरह गिरी। उसका सीढ़ियों से गिरना क्या हादसा था या फिर कोई साजिश? राजेंद्र वर्मा ने अपनी बेटी की बात के बारे में कुछ देर सोचा और तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर मोना शादी नहीं करना चाहती तो मैं उस परिवार में अंशिका को नहीं भेज सकता। मेरी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं देती। मगर कृतिका वर्मा ने अपनी बेटी की बात में हाँ मिलाते हुए अपने पति को मनाने की कोशिश की और कहा, लेकिन राज, मोना बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर अंशिका भी तो हमारी बेटी है। और जब मल्होत्रा परिवार ने कहा है कि उन्हें वर्मा खानदान की ही बेटी को अपनी बहू बनाकर लाना है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि शेखर की शादी अंशिका से हो या फिर मोना से? मगर राजेंद्र वर्मा को फिर भी ये बात ठीक नहीं लग रही थी। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? उस लड़के से मिली मोना है, ऐसे में शादी भी मोना की ही होनी चाहिए। मैं उस लड़की की शादी अंशिका से कैसे करवा सकता हूँ? और वैसे भी अंशिका दिमागी रूप से ठीक नहीं है। बेशक शेखर अंधा है, लेकिन फिर भी वो अंशिका से कभी शादी नहीं करेगा। मल्होत्रा परिवार का समाज में इतना बड़ा नाम है और वो इतने ताकतवर लोग हैं, हम उन्हें इस तरह से नाराज नहीं कर सकते। अगर उन्हें ये बात पता चली तो शादी करने की जगह वो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राजेंद्र वर्मा बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उनकी बीवी और बेटी एक एक करके उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। कृतिका धीरे से उनके पास गई और प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब मल्होत्रा परिवार के लोग हमारे घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी बेटी से मिलना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो किस बेटी की बात कर रहे हैं। और वैसे भी दोनों बच्चे आपस में अकेले ही तो मिले हैं। वैसे भी जब शेखर अंधा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो किसके साथ डेट पर गया। हम कह देंगे कि वो मोना के नहीं बल्कि अंशिका के साथ डेट पर गया था। जब वो लोग अपने बेटे के अंधे होने की बात हमसे छिपा सकते हैं, तो हम भी तो छिपा सकते हैं कि हमारी बेटी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये सुनकर राजेंद्र वर्मा को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। मोना ने भी अपने डैड को समझाने की कोशिश की। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं डैड, शेखर को तो पता भी नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ, और उसके लिए तो एक ही बात होगी, अगर अंशिका से शादी करे या मुझसे। शेखर अंधा है और अंशिका पागल है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, ऐसे जैसे उनकी जोड़ी आसमान से बनकर आई हो। मोना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कृतिका वर्मा ने अपने पति को समझाते हुए कहा, और ये भी तो सोचो राज, अंशिका से इस दिमागी हालत में और कौन शादी करेगा? इस बहाने उसका घर बस जाएगा। मान जाओ ना राज, मल्होत्रा फैमिली सिर्फ हमें दहेज ही नहीं बल्कि उनके शेयर का एक हिस्सा देने के लिए भी तैयार है। इतने पैसे से मोना एक अच्छे लड़के को देखकर उससे शादी कर सकती है, और हमारी फैमिली सोसाइटी में कितनी बड़ी हो जाएगी। हर कोई हमसे बात करने से पहले दो बार सोचेगा और हम इज्जतदार लोगों में आ जाएंगे। कृतिका और मोना के बार बार समझाने की वजह से आखिर में राजेंद्र वर्मा ने उनके सामने हार मान ली और कहा, ठीक है, तुम दोनों माँ बेटी के आगे मेरी कभी नहीं चलती। मैं इस मामले में आगे मल्होत्रा फैमिली से बात करता हूँ और शादी की तैयारियाँ शुरू कराता हूँ। ये सुनते ही मोना और कृतिका बहुत खुश हो गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके अलावा और भी यहाँ कोई मौजूद था जो ये सब सुन रहा था। इतना कहने के बाद वो उठकर खड़े हुए और जैसे ही स्टडी रूम में जाने वाले थे, तभी उन्होंने पीछे मुड़कर मोना की तरफ देखा और कहा, मोना, अपनी बहन से अच्छे से बात किया करो, बार बार उसे इस तरह से पागल मत बुलाया करो। अपनी बहन के साथ कोई इस तरह से पेश आता है क्या? तुम तो मेरी प्यारी गुड़िया हो ना, तुम्हें तो हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए।
ठीक है डैड, जैसा आप कहें। मोना ने अपने पापा की बात मान तो ली, मगर उनके जाते ही वो फिर से हंसने लगी। वो कभी भी अपने पापा की ऐसी बातों को नहीं मानती थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके पापा हमेशा अंशिका की साइड लेते थे। मगर जैसे ही उसे ये याद आया कि जल्दी से उस पागल लड़की अंशिका की शादी मल्होत्रा खानदान के अंधे बेटे शेखर से होने वाली है और बदले में सारे पैसे और कंपनी के शेयर उसे मिल जाएंगे, वो उससे काफ़ी खुश होने लगी। अंशु तुम कहाँ हो? अंशु देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए आई है, मोना ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही अंशिका भागकर उसके पास आ गई और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ दीदी, मुझे भी आपके साथ गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। अंशिका ने एक सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी जो मिट्टी से सनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगी हुई थी। उसने अपने एक हाथ से अपने बड़े से टेडी बेयर को पकड़ा हुआ था। वो अपनी बहन मोना को देखकर बहुत खुश थी। उसे वहां पर देखकर मोना ने अपनी जेब से ढेर सारे सिक्के निकाले और एक एक करके उन्हें जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद वो मुस्कुराकर एक कुर्सी पर बैठ गई और आराम से अंशिका को वो सिक्के उठाते हुए देखती रही। अंशिका ने भी उसकी बात मानी और एक एक करके वो उन सारे सिक्कों को उठाकर अपनी जेब में रखने लगी। वो सारे सिक्के उठाकर मोना के पास गई और उसने प्यार से मुस्कुराकर मोना के चेहरे की तरफ देखा। मोना ने फिर से सिक्कों के साथ साथ कुछ नोट भी जमीन पर फेंक दिए और एक बार फिर कहा, उन्हें उठाकर फिर से मुझे दो। मगर जब अंशिका ने नोट छोड़ सारे सिक्के उठा लिए तो मोना ने अपनी माँ से कहा, मॉम आपने देखा ना कि लड़की कितनी बड़ी पागल है, मैं तो इस लड़की का ख्याल रखना चाहती हूँ लेकिन ये लड़की ही मेरे दिए हुए पैसे नहीं लेना चाहती। देखो उसने मेरे दिए हुए नोटों को जमीन पर फेंक दिया। अब डैड ये नहीं कह सकते कि मैं इसका ख्याल नहीं रखती। तुम सिर्फ अपने डैड की नज़रों में अच्छा बनने के लिए इस लड़की का ख्याल रखो, तुम्हें सिर्फ उन्हें दिखाना है कि तुम अंशिका को कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करती हो। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे जाकर आराम करने दो। कृतिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंशिका के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। वो उनकी सौतेली बेटी थी और वो जिंदा रहे या मर जाए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी मॉम के वहां से जाने के बाद मोना ने जमीन पर पड़े हुए वो नोट उठाए और अंशिका के गालों पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए कहा, एक पागल तो पागल ही रहता है ना, तो खेल हाँ, एक पागल इतने पैसे कैसे संभाल सकता है। उसके बाद उसने वो नोट अपनी जेब में रखे और मुस्कुराते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। अंशिका भी प्यार से डांस करती हुई उसकी तरफ देखती रही। जब मोना बाहर गई तब उन नोटों की गड्डी में से कुछ नोट वहीं जमीन पर गिरे रह गए थे। जैसे ही मोना कमरे से बाहर गई तो अंशिका अचानक से रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने उन नोटों को उठा लिया और अपनी मुट्ठी में रखकर मुट्ठी को जोर से बंद करके बोली, कितना खेल खेलोगे तुम लोग मेरे साथ, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि खेल मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। इतना कहते ही अंशिका जोर जोर से हंसने लगी। आखिर क्या राज है अंशिका का और वो कौन से खेल की बात कर रही है? अंशिका का मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ा? क्या उसकी शादी शेखर से हो जाएगी? क्या शेखर को पता चल पाएगा कि उसकी शादी मोना से नहीं बल्कि अंशिका से होने जा रही है? जानिए सभी सवाल। मोना ने अपने घर वालों को मना लिया था कि वो शेखर के साथ उसकी सौतेली बहन अंशिका से शादी करवा दें। उन सबकी नज़र में अंशिका मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मोना के कमरे से बाहर जाते ही अंशिका ने मुस्कुराना शुरू किया और अतीत के लम्हों में खो गई। उसे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब उसने स्टडी रूम में कृतिका और राजेंद्र वर्मा को एक दूसरे से झगड़ा करते हुए सुना था। लेकिन कृतिका, ये सारे पैसे अंशिका के असली पिता के हैं, मैं उसका हाथ अंशिका से नहीं छीन सकता। ये सारे पैसे सही तौर पर उसे ही मिलने चाहिए, वही इसकी असली हकदार है, राजेंद्र ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम अंशिका की जान ले लें, उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे हमें मिल जाएंगे। हमें किसी से कोई भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं होगी और बिना कुछ बोले सारा पैसा हमारा हो जाएगा, कृतिका ने राजेंद्र से कहा। और ये सुनकर अंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, ये सारा पैसा और जायदाद मेरे असली माँ बाप की है और ये मेरी जान ले लेना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। मैं अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को इस तरह से इन लोगों के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकती। तब अंशिका को यह एहसास हुआ कि अब तक ऐसे काफ़ी बार हो चुका है जब उसका एक्सीडेंट होते होते बचा हो और वो मौत के मुंह से वापस लौटी हो। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। उन्होंने बचपन से अब तक मुझे बड़ा किया और पाला है, मगर फिर भी इन्हें मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं है, उसने धीरे धीरे खुद से कहा और वहाँ से चली गई। वो भी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो छोटी बच्ची थी। उसी दिन दोपहर में मोना ने अंशिका को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। अंशिका बेहोश हो गई और जब हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली तो उसने ये फैसला किया कि
कि वो सब लोगों के सामने ये नाटक करेगी कि वो पागल है और उसके अंदर दिमाग नहीं है। इसी नाटक के सहारे वो इस घर में जिंदा रह सकती है, कम से कम तब तक जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती। इसलिए पिछले काफ़ी सालों से अंशिका पागल होने का दिखावा कर रही है। अच्छी बात तो ये है कि राजेंद्र वर्मा हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आते थे और उसे यह एहसास दिलाते थे कि वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। कृतिका ने भी जब देखा कि अंशिका अब उनकी अपनी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती तो उन्होंने भी उसे परेशान करना बंद कर दिया। इसी वजह से लगभग 20 सालों तक वो पागल बनकर आराम से अपनी ज़िंदगी काटती रही। ये याद करते करते अंशिका की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। अंशिका ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, अब समय आ गया है जब मैं इन लोगों से बदला ले सकती हूँ और अपने माँ बाप के पैसे छीन सकती हूँ, लेकिन ये लोग तो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अंशिका ने तय किया कि वो शेखर से शादी करेगी और इस घर से दूर चली जाएगी। यही एक रास्ता है जब वो अपनी जान भी बचा सकती है और इन लोगों से बदला भी ले सकती है। अगले ही पल अंशिका जमीन पर बैठकर एक कोने में पड़े अपने टेडी बियर को ध्यान से देखने लगी। उसे देखकर ये समझना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सामने से एक मामूली सा खिलौना दिखने वाले इस टेडी बियर के अंदर अंशिका ने अपना गहरा राज छुपाया हुआ था। उसने धीरे से टेडी बियर के पीछे की जिप खोली और उसके अंदर से एक छोटा लैपटॉप निकाला। लैपटॉप ऑन होते ही एक एक करके यश के काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे। शैडो, मैंने सुना है कि मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में है। क्या आपको लगता है कि हमें भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए? शैडो, ये बीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बनने वाली हैं? ये सारे मैसेज देखकर अंशिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शैडो अंशिका का ही झूठा नाम था जिसे वो अपनी कंपनी चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यश और कोई नहीं बल्कि अंशिका का बिजनेस पार्टनर था। वो दोनों लगभग 5 साल पहले इंटरनेट पर मिले थे और तब से वो साथ में एक बेहद बड़ी कंपनी चला रहे थे जिसका टर्नओवर लाखों और करोड़ों में था। अंशिका कंपनी में ट्रेडिंग करती थी और सारे बड़े फैसले लेती थी, जबकि यश कंपनी के सारे अकाउंट और बाकी अरेंजमेंट देखता था। उन दोनों की कंपनी को 5 साल हो चुके थे और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन आज तक भी यश ये नहीं जानता था कि शैडो आखिर है कौन, वो कैसी दिखती है। अपने लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे से यश बेसब्री से शैडो के जवाब का वेट कर रहा था। तभी अंशिका ने काफ़ी स्पीड से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप की और एक एक करके यश को सारी चीज़ें बताने लगी। जैसे ही यश ने अंशिका के मैसेज देखे वो खुशी से उछल गया। यश को शैडो की काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उसका आज का प्लान सुनकर तो वो उसका कायल हो गया था। तभी अचानक से अंशिका को बाहर से किसी की आवाज़ें आने लगी और उसने तुरंत वो लैपटॉप बंद किया और उसे अपने टेडी बियर के अंदर वापस रख दिया। उसने तुरंत अपने बालों को थोड़ा बिगाड़ लिया और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर पागलों की तरह उछलते कूदते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे भूख लगी है, अंशु को बहुत भूख लगी है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में घर के मुखिया राजकमल मल्होत्रा ने जब फ़ोन पर राजेंद्र वर्मा से बात की तो फ़ोन रखते हुए इनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आखिर काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करवाने के बाद वर्मा खानदान अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करवाने के लिए मान गया था। इस बात से उनके मन को काफ़ी सुकून मिल रहा था। मल्होत्रा खानदान किसी शाही खानदान के जितना ही अमीर था और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन राजकमल मल्होत्रा के सबसे बड़े पोते शेखर, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी उम्र अब लगभग 30 हो चुकी थी और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पूरा घर काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन शेखर की शादी ना करने की दो बड़ी वजह थी। 5 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उसकी आँखें चली गईं और उसकी मंगेतर की मौत हो गई। उस दिन के बाद से शेखर ने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन ज़िंदगी को कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही था। शेखर काफ़ी अमीर और हैंडसम था। वो हर किसी से काफ़ी अच्छे से बात करता था और लोगों को उसके आसपास रहना बहुत अच्छा लगता था। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस हादसे के बाद से सब ने उससे मुंह फेर लिया और कोई भी लड़की उसके आसपास भटकना पसंद नहीं करती थी। उस हादसे के 3 साल बाद तक शेखर किसी से बात करना पसंद नहीं करता था और लड़कियों से तो खास तौर पर दूर रहता था। मगर 3 साल के बाद राजकमल मल्होत्रा ने खुद इस पूरे मामले को हैंडल करने का फैसला किया और उन्होंने एक एक करके अपने पोतों को ब्लाइंड डेट पर भेजना शुरू कर दिया। बेशक शेखर अंधा था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढना चाहते थे जो उनके पोते और उनके खानदान के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। इस सारी भागदौड़ में 2 साल कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला, मगर अब जाकर उन्हें एक ऐसी लड़की मिली थी जो पूरी तरह से उनके पोते के लायक थी। और अभी अभी राजेंद्र वर्मा से उन्हें पता चला कि उन्हें शेखर के अंधे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने तुरंत घर के नौकर को भेजकर शेखर के पास गुड न्यूज़ भिजवाई। उस लड़की ने हाँ कह दी? शेखर ने हैरान परेशान होकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़की ने हाँ कैसे कर दी। शेखर मन ही मन सोचने लगा, जब मैं उसे ब्लाइंड डेट पर मिला था
तब तो उस लड़की का रिएक्शन कुछ अलग ही था। मुझे अच्छे से याद है कि वो कितनी ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी, जैसे मैं जबरदस्ती उससे शादी करने वाला हूँ। यहाँ तक कि वो मुझसे बात किए बिना ही वहां से चली गई थी। तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान सकती है? कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्यों हाँ कहा है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती कि शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। उसे शायद यही लग रहा होगा कि वो एक अंधे लड़के से शादी कर रही है, लेकिन ये अंधी आंखें उसे कैसे दुनिया दिखाएंगी, इसे उसकी भनक भी नहीं है। इसके साथ ही शेखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। घर का नौकर भी काफी ज्यादा हैरान था। 2 सालों तक उन्हें कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली थी जो शेखर के अंधेपन के बावजूद उसे अपनाने के लिए तैयार हो, मगर फिर भी उसने काफी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटे साहब, दादाजी ने कहा है कि छोटी बहुरानी कल आ जाएंगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि वो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल की कल कोर्ट मैरिज करनी है ताकि लोगों को इस बारे में बात करने का ज्यादा मौका ना मिले, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रिसेप्शन होगी। ये उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे कोर्ट मैरिज करनी है। वैसे मुझे किसी तरह का कोई बड़ा फंक्शन नहीं चाहिए, जैसा दादाजी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, शेखर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी होने वाली बीवी अच्छी है या बुरी, वो बस जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहता था ताकि उसके दादाजी बार बार इस बारे में उसे परेशान करना छोड़ दें और खुद भी चिंता मुक्त हो जाए। इसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी तरफ अंशिका ने लाल रंग की एक साड़ी पहनी हुई थी। हर दिन की तरह 2 चोटी में बंधे हुए उसके बाल आज जूड़े में बंधे थे, और यहाँ तक कि उसने गजरा भी लगाया था। उसने अपने हाथ में एक माला पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में अपना टेडी बियर। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी शादी हो चुकी थी और सर्टिफिकेट पर साइन करते ही शेखर वहां से चला गया था। ना ही उसने किसी से बात की थी और ना ही वो अंशिका के लिए रुका था। बाहर आकर राजकमल शर्मा ने राजेंद्र वर्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा संदीप जी, मैं भी चलता हूँ, मुझे घर जाकर नई बहू के स्वागत की तैयारियां भी देखनी है। सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा और मैं नौकरों के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकता। आखिर मेरे बड़े पोते की शादी हुई है, घर की बहू का स्वागत तो सारे रीति रिवाजों के साथ होना चाहिए। हाँ हाँ मल्होत्रा जी, बिल्कुल, राजेंद्र वर्मा ने भी हाथ जोड़कर कहा, और राजकमल मल्होत्रा वहां से चले गए। अंशिका को ले जाने के लिए उन्होंने एक मर्सिडीज और ड्राइवर को छोड़ा था। वो शेखर के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। राजेंद्र वर्मा ने प्यार से अंशिका के सर पर हाथ रखा और कहा, अंशु तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, अपने पति के घर पर जाकर तुम हमेशा अपने पति और बड़ों की बात मानना। जो लड़कियां सबकी बात मानती हैं उनको खाने में केक भी मिलता है और खेलने के लिए खिलौने भी, समझ गई? राजेंद्र वर्मा को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था और उन्हें अंशिका की बहुत फिक्र भी हो रही थी। उन्हें डर था कि मल्होत्रा खानदान में जाने के बाद अंशिका को काफी परेशान किया जा सकता था। उनकी बीवी और बेटी ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा था। कंपनी के शेयर ट्रांसफर किए जा चुके थे और मल्होत्रा फैमिली की तरफ से पैसे भी ट्रांसफर हो चुके थे, मगर पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर अंशिका की शादी हो गई तो वो ज्यादा टाइम तक वहां पर नहीं रह पाएगी। बेशक अंशिका उनकी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन इतने सालों तक उसे पालने की वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में अंशिका के लिए एक जगह बन चुकी थी। उन्होंने अंशिका को एक ATM कार्ड देते हुए कहा, अंशिका इसमें तुम्हारे लिए थोड़े पैसे रखे हैं, अगर शेखर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करता है या तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो तुम वापस आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अंशिका ने तुरंत किसी कार्टून की तरह अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ पापा, मुझे सब पता है, मैं भी मोना दीदी की तरह एक गुड गर्ल हूँ। हाँ हाँ हमें पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन खबरदार जो तुमने वहां जाकर किसी से ज्यादा बात करने की कोशिश की, अगर वहां जाकर किसी को भी तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते हुए कृतिका ने उसकी साड़ी का पल्लू उसके सर पर अच्छे से ढक दिया ताकि कोई भी उसका चेहरा ना देख पाए और वो सचमुच किसी अच्छी खासी नई दुल्हन की तरह लगे। इतना कहते हुए उन्होंने गाड़ी के आगे खड़े मल्होत्रा खानदान के ड्राइवर की तरफ देखा और तुरंत अंशिका को चुप करा दिया। उन्हें डर था कि अगर बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ा गई या फिर किसी को पता चल गया कि वो दिमागी रूप से बीमार है तो कहीं उसका खामियाजा उन्हें ना भुगतना पड़े। मॉम, हम लोगों ने पैसों के लिए इस बेवकूफ की शादी उस अंधे से करवा तो दी, लेकिन अगर उस बुड्ढे को पता चल गया कि हमने उसके पति की शादी एक पागल लड़की से करवा दी है तो क्या होगा? मैंने सुना है कि वो लोग काफी अमीर और पावरफुल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खेल हम पर ही उल्टा पड़ जाए, मोना ने धीरे से अपनी माँ के कान में कहा। डर तो उन्हें भी यही है, अंशिका शेखर की बीवी बनकर जा तो रही थी, लेकिन अगर सब लोगों को सच पता चल गया तो वहां पर जाकर उसकी क्या हालत होगी? क्या राजकमल मल्होत्रा अंशिका के साथ साथ उन्हें भी सजा देंगे? तो क्या होगा आगे? क्या शेखर को पता चल जाएगा कि अंशिका वो लड़की नहीं है जो उसे होटल में मिली थी? क्या करेंगे शेखर के दादाजी जब उन्हें अंशिका के पागल होने की बात पता चलेगी? आखिर इस शादी में अंशिका का क्या फायदा होगा? जानने वर्मा फैमिली ने अंशिका की शादी धोखे से मल्होत्रा खानदान के अंधे बेटे से करवा दी। बदले में उन्हें काफी पैसे और उनकी कंपनी के कुछ शेयर भी मिल गए। लेकिन सब लोगों को यही डर लग रहा है
कि अगर मल्होत्रा फैमिली को पता चल गया कि अंशिका पागल है तो क्या होगा। शेखर और नई दुल्हन के रहने का इंतजाम मल्होत्रा मैंशन में नहीं था, बल्कि उन्हें प्राइवेसी देते हुए दिल्ली से थोड़ा दूर उनके लिए एक अलग से विला बनवाया गया था। वो हर तरफ से हरियाली से घिरा हुआ था और उसके सामने एक छोटा सा तालाब था। पूरी सीनरी देखने में बेहद सुंदर थी और हर तरफ पेड़ और खूबसूरत फूल खिले हुए थे। वहां पहुंचकर ड्राइवर ने अंशिका के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो बाहर आई। अंशिका इधर उधर बड़े गौर से देख रही थी, तभी तुरंत एक नौकर हाथ में एक खत लिए उसके पास पहुंच गया और बोला, बहुरानी, बड़े साहब ने ये खास आपके लिए दिया है। उन्हें काम से शहर जाना पड़ा और वो आपके स्वागत के लिए यहाँ पर नहीं आ पाए, इस बात पर उन्हें काफ़ी बुरा लगा है। अंशिका ने अपनी तरफ मुस्कुराकर देखा और वो खत ले लिया। वो अब तक इस बात का फैसला नहीं कर पाई थी कि आखिर उसे यहाँ पर लोगों के बीच में पागल बनकर रहना है या फिर नॉर्मल, इसलिए उसने फैसला किया कि अभी वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगी। खत में राजकमल मल्होत्रा ने लिखा था, आपकी इस नई ज़िंदगी में आपका स्वागत है बेटा, मैं आपका दादाजी हूँ और मुझसे तो आप मिल ही चुकी हैं। मैंने आपकी ज़रूरत की और पसंद की सारी चीज़ें घर में रखवा दी हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ चाहिए हो तो आप राजू से कहकर मंगवा सकते हैं। आपकी और शेखर की शादी काफ़ी जल्दबाजी में हो गई, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए हमने आपको शहर से दूर ये घर दिया है, जहाँ पर आप एकांत में एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अपने नए घर वाले और ये ज़िंदगी अच्छी लगेगी। आशीर्वाद। वो खत पढ़ने के बाद अंशिका ने अपने सर से पल्लू हटाया और घर के अंदर सब कुछ अच्छे से देखा। वो घर किसी महल की तरह लग रहा था। हर एक कमरा काफ़ी बड़ा और ब्राइट था, जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर और आसपास काफ़ी सारी लाइट्स थी। अंशिका अपने कमरे तक पहुंची और बहुत ध्यान से उस कमरे को देखने लगी। आज तक कभी उसे इतना बड़ा कमरा और इस तरह का सामान नहीं मिला था। ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पहली बार किसी ने उसे घर के सदस्य की तरह ट्रीट किया था। उसे अपने होने वाले नए पति से भी कोई शिकायत नहीं थी। उसे पहले ही शेखर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वो ठीक से देख नहीं सकता था। लेकिन इस बात पर भी अंशिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। सब लोगों को लगता है कि उन्होंने मेरी शादी एक अंधे से करवा दी है और इसलिए मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर अपने मकसद से आई हूँ, अपनी मर्जी से। और रही बात शेखर की, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस शादी में रहता है या कहीं भाग जाता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटने वाली। ये सोचकर अंशिका के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेखर दरवाजे पर खड़ा था। उसे अचानक कमरे के अंदर देखकर अंशिका एक पल को घबरा गई और सोचने लगी, ये लड़का है या कोई भूत, बिना कोई आवाज़ की आ गया। ये इतना सीधा साधा तो नहीं लगता, मुझे इसके बारे में जल्दी ही सब कुछ पता करवाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना यहाँ की रहूँ ना वहाँ की। शेखर को वहाँ देखकर अंशिका ने कुछ सोचकर कहा, शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, शेखर बीच में बोल पड़ा, नहीं तुम मेरी बीवी नहीं हो। शेखर के चेहरे पर किसी तरह के कोई हाव भाव नहीं थे, मगर फिर भी उसकी टोन बिल्कुल शांत और पावरफुल लग रही थी। ये बात सुनकर अंशिका को बहुत अजीब लगा और वह हैरानी से शेखर को देखती रही। शेखर अंधा था, लेकिन अंशिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो घूर कर बस उसको ही देख रहा है। अंशिका ने आराम से पूछा, जी क्या कहा आपने। शेखर की आवाज़ में कोई गुस्सा तो नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ सुनकर एक पल को अंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। मैं जिस लड़की से मिला था वो तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर एक पल को अंशिका के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने मन में सोचा, अगर शेखर को पता चल गया कि वो अंशिका है तो क्या वो मुझे वापस वर्मा खानदान में भेज देगा। नहीं नहीं, मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती, मुझे फिर से पागलपन की एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ भी करके इस आदमी को समझाना ही होगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर में अंशिका धीरे से उसकी ओर बढ़ी और अपना हाथ उसके चेहरे के सामने घुमाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे देख सकते हो, तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू अलग है और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत डिफरेंट है, अब तुम मुझे बताओगी कि तुम कौन हो। इतना कहते ही शेखर ने एक झटके से अंशिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। शेखर ने इतना कसकर उसका हाथ पकड़ा कि अंशिका को लगा जैसे शेखर उसका हाथ उसके शरीर से ही निकाल कर अलग कर देगा। अचानक से वो जोर जोर से रोने लगी, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, तुम गंदे हो, बैड मैन। उसके सुंदर चेहरे पर टप टप करके आंसू गिर रहे थे। देखते ही देखते उसने फिर से पागल बनने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसे इस तरह से देख रहा है, लेकिन वो छोटे बच्चों की तरह उछल उछल कर रो रही थी और जिद कर रही थी।
उसे इस तरह से रोते हुए देखकर शेखर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, मगर उसने तुरंत अंशिका का हाथ छोड़ दिया और बाहर चला गया। जाने से पहले उसने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। वो तुरंत स्टडी रूम में गया और उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, जल्दी से जल्दी इस लड़की को इन्वेस्टिगेट करो, मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये क्या करती है, कहाँ जाती है और किससे मिलती है, सब कुछ। उसका बचपन कैसा था और उसके माँ बाप कैसे हैं, हर चीज़। इतना कहते हुए उसने मैरिज सर्टिफिकेट ज़ोर से टेबल पर दे मारा। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई हाव भाव नहीं थे और उसे देखकर ये बता पाना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। लेकिन इस वक्त वो जिस गुस्से में था उसे देखकर उसका बॉडीगार्ड भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। जी सर, शेखर के बॉडीगार्ड ने वो मैरिज सर्टिफिकेट उठाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर जाकर उसने अपने मन ही मन में सोचा, मैंने कभी सर को इतने गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन आज तो उनका पारा काफ़ी हाई है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बड़े सर से बात करनी चाहिए, लेकिन अगर सर को पता चल गया कि मैंने इस बारे में उनके दादाजी से बात की है तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। पहले मैं उनका दिया हुआ काम ख़त्म करता हूँ, मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। शेखर ने ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने मेरे दादाजी को भी धोखा दिया। ये लड़की और इसका पूरा खानदान, इस हद तक गिरे हुए लोग निकलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अभी ये लोग मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, इन्हें लगता है कि मैं देख नहीं सकता तो ये मेरी फैमिली और मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इस लड़की को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। शेखर को इस बात से सख्त नफरत थी कि लोग उसे धोखा दें और उसकी हालत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उसने मन ही मन ठान लिया कि वंशिका और उसके परिवार को चैन से नहीं जीने देगा। कुछ ही देर में शेखर का बॉडीगार्ड वापस स्टडी रूम में आया और उसने अपना सर झुकाकर कहा, सर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से क्लियर है, वर्मा फैमिली में दो बेटियां हैं और उसमें से जो लड़की आपके साथ गई थी वो उनके घर की बड़ी बेटी है और उनके घर की दूसरी बेटी। धीरे धीरे करके बॉडीगार्ड की आवाज़ धीमी होती गई और फिर वो बोलते बोलते चुप हो गया। हाँ आगे बोलो। जी सर, वो कहने से पहले बॉडीगार्ड ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, उनके घर की दूसरी बेटी पागल है। ओह, धीरे धीरे शेखर को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब ये था कि वर्मा खानदान ने उसे अंधा समझकर अपनी पागल बेटी की शादी धोखे से उससे करवा दी थी। ये सुनकर शेखर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, मगर फिर भी उसने ना तो बॉडीगार्ड को कुछ करने के लिए कहा और ना ही अपने कदम पीछे लिए। शेखर के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। मल्होत्रा खानदान में एक पागल लड़की बहू बनकर आ गई है, अगर उसके दादाजी को इस बारे में पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। इतने सालों से वो जिस बहू का सपना देख रहे थे वो चूर चूर हो जाएगा। इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता था। शेखर ने खुद से ही कहा, ठीक है उस लड़की को मुझसे शादी ही करनी थी ना, तो ठीक है अब मैं उसे बताऊंगा कि शादी का असली मतलब क्या होता है। मैं उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दूंगा, उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी पता चलेगा कि उन्होंने मेरे दादाजी को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है। अपने नए घर में अंशिका अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी और खर्राटे ले रही थी। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके थे और उसकी वजह से उसका सारा मेकअप बह गया था, उसका काजल भी फैल गया था और उसकी आंखें इस वक्त किसी भालू की तरह काली हो चुकी थी। बहू रानी उठ जाइए, शांता काकी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और जब उन्होंने नई बहू को इस हालत में देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अपने प्यारे पोते के लिए उनके मालिक ने ऐसी लड़की को पसंद किया है। ये देखने में थोड़ी बददिमाग लगती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनके छोटे मालिक से शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं थी, नहीं तो राजकमल मल्होत्रा कभी भी अपने पोते के लिए इस तरह की लड़की को पसंद नहीं करते। लेकिन अब जब वो उनकी नई मालकिन बनकर घर में आ चुकी है तो वो किसी भी तरह से अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। अंशिका इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी और शांता काकी के काफ़ी बार उठाने पर भी उसकी नींद नहीं खुली। बहू रानी, नाश्ता लग चुका है, उठ जाइए। शांता काकी की इस बात ने तुरंत काम किया और अंशिका तुरंत एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, उसने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा और उसके बाद वो तुरंत उठकर नीचे डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगी। मगर शांता काकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, बहू रानी अभी आप पहले अपना चेहरा साफ कर लीजिए, नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे में आपका इस तरह से वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। ये कहते हुए शांता काकी काफ़ी घबरा रही थी। उनके इस तरह से कहने पर अंशिका ने ना चाहते हुए भी अपना चेहरा साफ किया और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने कल की ही साड़ी पहनी हुई थी और अपने कपड़े बदले नहीं थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर एक निखार था जिसे हर कोई देख सकता था,
लेकिन उसकी हरकतों के आगे किसी का भी ध्यान उसके चेहरे पर जा ही नहीं रहा था। शेखर टेबल पर ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। नई बहू के लिए आज खाने में काफ़ी कुछ बनाया गया था। आलू के पराठे, ब्रेड टोस्ट, सैंडविच, जूस, कॉफ़ी, चाय, पोहा, उपमा और भी काफ़ी कुछ जो नाश्ते में होना चाहिए। ये सब देखकर अंशिका ने बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए उछल उछल कर कहा, अरे इतना सारा टेस्टी खाना, वाओ, ये सब मेरे लिए बना है, मैं ये सब खा जाऊंगी। सब खा जाऊंगी। और इतना कहते ही उसने अपनी प्लेट लगाए बिना अपने हाथों से ही सारा खाना उठा उठा कर खाना शुरू कर दिया। वहां पर खड़े सब लोग हैरानी के साथ उसे देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मल्होत्रा खानदान की नई बहू ऐसे जानवरों की तरह खाना खा रही है। शेखर आराम से वहां पर बैठा हुआ था और अंशिका के वहां पर आ जाने के बाद भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बहूरानी, ये सब आपके लिए ही है, आप आराम से सारी चीजें खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांता काकी ने उसे शांत करने के लिए कहा। कुछ ही देर में अंशिका उठकर खड़ी हो गई और उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए कहा, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे वापस अपने कमरे में जाकर सोना है। और इतना कहते ही वो वहां से उठकर चली गई, मगर वो गलत दिशा में जा रही थी। उसे वहां जाते हुए देखकर बटलर ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, बहूरानी वहां पर रसोई है, आप गलत जगह जा रही हैं। तब शांता काकी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने अंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसके कमरे में छोड़ने के लिए चली गई। बाथरूम में नहाते हुए अंशिका के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने अच्छे से अपना गंदा चेहरा साफ किया और धीरे से गुनगुनाने लगी। शावर से गर्म पानी उसकी स्नो वाइट जैसी त्वचा पर पड़ रहा था और उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंशिका भी यही सोच रही थी कि वह नहाने के बाद कुछ देर और सो जाएगी और उसके बाद कल सुबह उठकर सबसे पहले यश से बात करेगी। लेकिन तभी उसने गौर किया, जब वो नाश्ता करते हुए पागलपन का नाटक कर रही थी तब शेखर बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था, ना ही वो नाराज़ हो रहा था और ना ही उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। आखिर उस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है? है तो वो अंधा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे रावण की तरह 10 दिमाग हैं उसके। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल कर दे, अंशिका ने अपने मन ही मन में सोचा। अंशिका के मन में शेखर को लेकर शक पैदा हो गया था। लेकिन आखिर शेखर करना क्या चाहता था? उसने अंशिका की असलियत किसी और को क्यों नहीं बताई? क्यों उसने अंशिका को घर से नहीं निकाला? आखिर क्या करने वाला है वो? जानने अंशिका ने अपने ससुराल में भी पागलपन की एक्टिंग शुरू कर दी थी। उसे इस बात से ज़रा भी दिक्कत नहीं थी। उसे शादी करने के बाद सिर्फ अपनी फ्रीडम से मतलब था। वो आराम से अब इस घर में रहना चाहती थी और उसे इस बात का यकीन था कि कोई भी अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो जो करना चाहती है और जिस मकसद से यहाँ आई है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसे शेखर पर ज़रूर थोड़ा शक होने लगा था। आराम से शावर लेने के बाद अंशिका ने अपनी बॉडी पर टावल लपेटा और बाथरूम से बाहर आई। अपने सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा और उसने चिल्ला कर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आए? अंशिका को अच्छे से याद था कि उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया था, मगर शेखर को वहाँ पर देखकर उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। एक मिनट के लिए वो अपने पागलपन का नाटक भी भूल गई थी। शेखर आराम से बेड पर बैठा हुआ था और उसने धीरे से कहा, ये हम दोनों का नया घर है और तुम मेरी बीवी हो, क्या मुझे अपने कमरे में आने से पहले तुमसे परमिशन लेनी चाहिए और क्या मुझे देखकर तुम्हें ऐसे हैरान होना चाहिए? अंशिका को तुरंत समझ में आ गया कि वो इस तरह से अपनी एक्टिंग के बारे में भूल नहीं सकती, इसलिए उसने तुरंत एक बार फिर पागलों की तरह मुस्कुराना शुरू कर दिया और तालियां बजाते हुए कहा, वाओ, ये तो जादू है, मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था लेकिन तुम तो उसके बावजूद भी अंदर आ गए। क्या तुम सच में जादूगर हो? क्या तुम मुझे भी जादू सिखा सकते हो? प्लीज़ मुझे जादू सिखा दोगे ना? वाओ, ऐसा कहकर वो ज़ोर ज़ोर से उछलने लगी। शेखर एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि ये लड़की काफ़ी भोली भाली और सीधी है, मगर उसके पागलपन को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बॉडीगार्ड ने उसे जो बताया था वो बिल्कुल सच था, लेकिन फिर भी शेखर ने आराम से उसे हैंडल करने की कोशिश की और अपने पास रखी हुई चाबी उसे दिखाते हुए कहा, ये जादू बहुत सिंपल है, तुम बस इस चाबी को अपने पास रखो और उसके बाद तुम्हें जिस भी बंद दरवाजे में जाना हो वहाँ जा सकती हो। एक पल को अंशिका अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वो मन ही मन शेखर को काफ़ी कोस रही थी। ये लड़का ज़रूर बहुत अजीब है, कभी कहता है मैं इसकी बीवी नहीं हूँ और कभी मेरे बेडरूम में आकर बैठ जाता है, आखिर ये चाहता क्या है? मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा, मेरी यश के साथ ज़रूरी मीटिंग है, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। अंशिका को यही लगता था कि वो पूरा घर सिर्फ उसके नाम पर है, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसे ये प्रॉपर्टी शेखर के साथ शेयर करनी है।
राजकमल मल्होत्रा ने बेशक उसके परिवार और उसे काफी सारे पैसे दिए हों, मगर शादी के बाद उन्होंने हर चीज अपने पोते को ध्यान में रखकर की थी। इसी बीच अंशिका के बदन पर लिपटा उसका टावल थोड़ा ढीला हो गया था। शेखर ने आराम से उससे पूछा, क्या तुम्हारा नहाना ठीक से हो गया या तुम्हें अभी वापस अंदर जाना है? क्या? अंशिका धीरे धीरे अपना पागल होने का नकाब अनजाने में ही उतारती जा रही थी और उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। उसने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढक लिया। वो शेखर से पूछना चाहती थी कि आखिर इस सवाल का मतलब क्या है। उसके खूबसूरत और प्यारे चेहरे पर इस वक्त टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। बेशक उसे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी अंशिका शेखर के साथ किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती थी। वो तो बस इस शादी को एक बहाना बनाकर शेखर का इस्तेमाल करके वर्मा खानदान से निकलना चाहती थी, ताकि कृतिका और मोना की नजरों से दूर हो सके और अपने मकसद को अंजाम दे सके। अगर वो एक नॉर्मल लड़की होती तो हो सकता है कि वो कभी किसी अंधे से शादी नहीं करती, और अगर कर भी लेती तो शायद पैसों के लालच में या घर से बाहर निकलने के लिए नहीं करती। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी एक पागल होने का नाटक करते करते वो ये समझ गई थी कि वो अब इतनी आसानी से कृतिका और मोना से बचकर नहीं निकल सकती। वो जहां भी जाएगी उन दोनों की चील जैसी नजरें उसके ऊपर ही टिकी रहेंगी। शादी के बाद भी अंशिका को यही लगा था कि अगर वो पागलों की तरह बिहेव करेगी तो शेखर समझ जाएगा कि वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है और वो कभी उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। लेकिन शेखर उसकी उम्मीदों से काफी ज्यादा अलग निकला। जाओ अंदर जाकर बाथटब में पानी चला दो और नहाने में मेरी मदद करो। शेखर ने वैसे तो ये बात बहुत आराम से कही थी, लेकिन ये रिक्वेस्ट से कहीं ज्यादा एक ऑर्डर लग रहा था। उसकी ये बात सुनकर अंशिका के होश उड़ गए। नहाने में मदद करूं? इस लड़की की इतनी हिम्मत, क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? ये एक पागल लड़की के साथ इस तरह से फिजिकल होना चाहता है? क्या ये भूल गया है कि ये अंधा है, मैं नहीं? ओ गॉड, कहां फंस गई? इससे अच्छा तो वर्मा हाउसी था, कम से कम वहां मुझे अंधे लड़कों को नहलाना तो नहीं पड़ता था। एक पल को तो अंशिका के मन में आया कि वो शेखर को साफ साफ मना कर दे। वो कभी किसी लड़के के ज्यादा नजदीक नहीं रही और फिर अब अचानक से उसकी शादी हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी अंशिका इन सारी चीजों से कोसों दूर थी। वो तभी शेखर को ठीक से जानती भी नहीं थी, ऐसे में वो शेखर के करीब नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे शेखर की बातें माननी ही पड़ेंगी। इसके साथ साथ वो ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक मिनट के लिए भी उसने अपना नाटक बंद किया तो कहीं शेखर को उसकी असलियत पता ना चल जाए। आखिर वो वर्मा खानदान के लोगों से तो कहीं ज्यादा समझदार था, और वैसे भी एक पागल के लिए लोगों की बातें मानना कोई बेहद बड़ी बात नहीं थी। इसलिए अंशिका ने बच्चों की तरह अपनी गर्दन हिलाते हुए प्यार से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं अभी आपके लिए पानी चला देती हूँ और आपको नहला भी देती हूँ। अंशिका उछलते कूदते हुए बाथरूम में वापस गई और उसने बाथटब में ठंडा पानी चलाकर शावर जेल की पूरी बोतल उसमें उड़ेल दी। भैया आपको दिखता नहीं है, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ और आपको बाथरूम तक ले चलती हूँ। अंशिका खुशी खुशी शेखर को बाथरूम ले जाने लगी, लेकिन उसकी बात सुनकर शेखर के चेहरे के हाव भाव थोड़े बिगड़ गए और उसने तुरंत सवाल किया, भैया? आखिर कोई लड़की अपने ही पति को भैया कैसे बोल सकती है? बेशक अंशिका दिमागी रूप से ठीक नहीं थी और उसने ये सब प्यार से बोला था, लेकिन फिर भी शेखर को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो जानता था कि वो अंशिका से प्यार नहीं करता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बीवी से भैया कभी नहीं सुन सकता था। मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम सच में मुझे कुछ बुलाना चाहती हो तो मुझे हस्बैंड बोल सकती हो, लेकिन ये भैया मत बोलना उसके बाद। शेखर ने थोड़ा गुस्से से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो अचानक से रुक गया और धीरे से बुदबुदाया, ये मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद को इसका हस्बैंड बोला? उसे पता था कि उसे शादी करनी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक ही दिन में इस तरह से बिहेव करने लगेगा। आखिर उसे क्या हो गया था? क्या वो सचमुच ठीक होने लगा था? क्या वो सचमुच अपने पहले प्यार को भूल गया था? उसके मन में हजारों सवाल एक साथ चल रहे थे। अंशिका ने गुस्से से शेखर को घूरा, ये लड़का अंधा है या फिर कुछ और? मुझे तो ये दिमागी रूप से ठीक नहीं लगता। अगर मैं ठीक होती तो इसे चेकअप कराने का सजेशन देती। ये एक पागल लड़की से बीवी जैसे रिश्ते रखना चाहता है। मुझे लगता है कि इस घर में तो मैं गुस्से से ही सचमुच पागल हो जाऊंगी। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी इसका मुंह नोच डालूं। लेकिन अंशिका खुद भी जानती थी कि वो इतनी जल्दी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती है जिससे किसी को भी उस पर शक हो। इसलिए उसने एक बार फिर शेखर की बात मानते हुए कहा, हस्बैंड। उसकी आवाज काफी धीमी और प्यारी लग रही थी। ये कहते हुए उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। शेखर हस्बैंड कहते हुए उसकी खुशी को महसूस कर पा रहा था और उसका मूड भी पहले से थोड़ा बेटर हो गया। लेकिन उसका ये अच्छा मूड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वो जैसे ही बाथरूम के अंदर गया उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये इस लड़की ने क्या किया?
शेखर साफ महसूस कर पा रहा था कि बाथटब के अंदर ठंडा पानी था और पूरे बाथरूम में फैली हुई खुशबू की वजह से वो तुरंत अलर्ट हो गया और उसने तुरंत अंशिका का हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या तुमने बाथटब में ठंडा पानी डाला है? हाँ, अंशिका ने काफी खुशी खुशी और भोले भाले तरीके से जवाब दिया। मैं जब चुनमुन को नहलाती हूँ तब भी ऐसे ही करती हूँ, उसे भी ये सब कुछ काफी अच्छा लगता है, हर जगह प्यारी प्यारी खुशबू और एकदम ठंडा पानी। चुनमुन, ये चुनमुन कौन है? शेखर के हाव भाव धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहे थे। उसका सवाल सुनकर अंशिका ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, सब लोग बोलते हैं कि मैं पागल हूँ, मगर मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो, कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं अपने साथ अपने टेडी बियर चुनमुन को लेकर आई हूँ। वो हर वक्त मेरे साथ रहता है और कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ता। ये सुनकर शेखर हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो अंशिका से क्या कहे, और अंशिका जो चाहती थी उसे वो मिल गया। शेखर ने उसे तुरंत बाथरूम से बाहर भेज दिया। जब तक शेखर नहाकर बाथरूम से बाहर निकला, तब तक अंशिका अपने टेडी बियर को गले लगाकर बेड पर आराम से सो चुकी थी। शेखर ने कपड़े बदले और तभी अचानक से उसे याद आया कि आज उसकी सुहागरात है। वो धीरे से बिस्तर पर दूसरी तरफ आकर लेट गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंशिका को गले लगाने की कोशिश की, मगर ये क्या है? शेखर ने जैसे ही देखा कि उसके हाथ में टेडी बियर है, तो उसने तुरंत चुनमुन को उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। अंशिका ने भी रात को नींद में शेखर को गले लगा लिया। वो भी किसी चुंबक की तरह पूरी तरह शेखर से चिपकी रही, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह जब अंशिका ने अपनी आंखें खोली, तो चुनमुन के बड़े और गुदगुदे चेहरे की जगह उसे शेखर का चेहरा दिखाई दिया। ये देखकर अंशिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मेरा चुनमुन कहाँ है? इस वक्त अंशिका बेहद गुस्से में थी और वो नींद में जैसे ही उठी तो वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से इस वक्त उसका मूड काफी खराब था। लेकिन उसके इस सवाल पर भी शेखर ने कोई खास जवाब नहीं दिया। उसका बर्ताव ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बेहद आराम से अंशिका से कहा, जाओ जाकर मेरे कपड़े निकालो और मुझे तैयार करो। मगर क्यों? अंशिका के मुंह से अपने आप निकल गया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो एक बार फिर अपना नाटक भूल रही है। उसे कृतिका और मोना के सामने पागलपन का नाटक करते हुए काफी वक्त हो चुका था और वो कभी एक बार भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकली। ऐसे में अंशिका के लिए समझना बेहद मुश्किल था कि आखिर शेखर के सामने बार बार वो नॉर्मल क्यों बिहेव करने लगती थी। वो एक पागल थी और उसका इन अनजान लोगों के बीच कैरेक्टर में रहना बहुत जरूरी था। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि वो पागल नहीं है और सिर्फ एक पागल होने का नाटक कर रही है, तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। बेशक शेखर अंधा है, लेकिन वो मल्होत्रा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, जिसके सामने शहर का कोई परिवार नहीं टिक सकता। वो इतनी आसानी से उसे बचकर निकलने नहीं देगा। ऐसे में अंशिका को बेहद ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, अब हमारी शादी हो चुकी है, ऐसे में तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा। अब मैं बाहर किसी को या अपने बॉडीगार्ड को ये सब करने के लिए नहीं बोल सकता। शेखर ने काफी आराम से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंशिका जोर जोर से रोने लगी। चुनमुन कहाँ है? मुझे चुनमुन चाहिए। तुम नहीं, तुम बैड बॉय हो, तुमने मेरे चुनमुन को कहीं भेज दिया। अंशिका ने कल जब ये ड्रामा किया था तब वो तरकीब काम कर गई थी और शेखर उसे छोड़कर कमरे से चला गया था। इसी उम्मीद से अंशिका ने एक बार फिर अपना नाटक शुरू किया, लेकिन ये क्या, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आज वो उसे छोड़कर बाहर नहीं गया, बल्कि आराम से चुपचाप एक जगह बैठकर उसे रोते हुए सुनता रहा। अंशिका बहुत देर तक रोती रही, मगर जब उसने देखा कि शेखर पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो चुप हो गई और उसने बिस्तर से उठकर जमीन पर पड़े हुए चुनमुन को उठाया और अपने गले लगा लिया। चुनमुन और अंशु अच्छे हैं, लेकिन ये आदमी बुरा है। चुनमुन हम इससे दूर रहेंगे, ठीक है? अंशिका ने अपने टेडी बियर से बातें करते हुए कहा, मगर उस बुरे आदमी शेखर ने आराम से बिस्तर पर बैठकर अंशिका से कहा, अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकती तो तुम्हें आज का खाना भी नहीं मिलेगा। क्या? ये सुनकर अंशिका की आंखें बहुत बड़ी हो गईं और वो एक पल को सन रह गई। उसे खाना नहीं मिलेगा? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शेखर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसे शादी करके लाया है या फिर नौकर बनाकर, और वो भी तब जब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तब शेखर उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। अगर उसे पता चलता कि अंशिका नॉर्मल है तो वो क्या करता? लेकिन एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर को पता चल गया है कि अंशिका ये सब ड्रामा कर रही है? कहीं इसलिए तो वो ये सब कुछ नहीं कर रहा ताकि अंशिका अपनी असलियत उसके सामने कबूल कर ले। तभी शेखर ने कहा, अब अपना ये नाटक बंद करो, मुझे तुम्हारी असलियत पता है। ये सुनते ही अंशिका के चेहरे का रंग उड़ गया और उसे लगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। क्या होगा आगे? क्या शेखर को अंशिका का सच पता चल चुका है? क्या करेगा वो अंशिका के साथ? जानिए इन सभी सवालों के जवाब।
शेखर ने अंशिका की ओर देखकर कहा, अपना ये नाटक बंद करो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। ये सुनते ही अंशिका के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शेखर ने कहा, मेरा मतलब साफ है कि तुम काम ना करने के बस बहाने बना रही हो और कुछ नहीं। ये सुनते ही अंशिका ने चैन की सांस ली। तभी शेखर ने साफ साफ कहा, अगर यहाँ मेरे घर में रहना है तो मेरा काम करना पड़ेगा, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। अंशिका किन मुसीबतों में रहकर वहां से आई है सिर्फ वो ही जानती है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी चुनमुन को बिस्तर पर रखा और उठकर शेखर के पास आ गई। पहले उसने शेखर को शर्ट पहनाई और उसके बाद पैंट। वो तो अच्छा था कि शेखर ने इस मामले में उसे ज्यादा नखरे नहीं दिखाए और जल्दी ही वो पूरी तरह से तैयार हो गया। अंशिका पहली बार किसी आदमी के इतने करीब थी, इसलिए उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। ये मुझे नहीं देख सकता, बार बार अपने मन ही मन में अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो कंफर्टेबल हो सके, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे शेखर सिर्फ उसके लाल हो चुके चेहरे को ही देख रहा है। कुछ ही देर में वो दोनों तैयार होकर नीचे नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। ब्रेकफास्ट टेबल पर अंशिका ने दूध का ग्लास उठाया और उसका एक बड़ा सा घूंट अपने मुंह में भर लिया। वो अपने मुंह का सारा दूध पीने वाली थी कि तभी बटलर ने आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिश की, बहू रानी आप दूध को धीरे धीरे आराम करके पी लीजिए, नहीं तो ये आपके गले में अटक जाएगा और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अचानक से बटलर के ऐसा बोलने की वजह से अंशिका वहीं पर रुक गई। उसने काफी सारा दूध अपने मुंह में भरा हुआ था और उसे धीरे धीरे करके नहीं पी पा रही थी। अंशिका ने कोशिश की लेकिन उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसे बेवकूफी करते हुए देखकर घर के सारे नौकर मुंह दबाकर हंसने लगे और कुछ लोग उसे देखकर अजीबोगरीब चेहरा बनाने लगे। शांता काकी भी काफी खराब चेहरा बनाकर अंशिका को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी लड़की उनके मालिक की बीवी बनकर आई है। वो कहीं से भी शेखर के लायक नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अंशिका की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू रानी आप अपना बैठने का तरीका ठीक कीजिए, उसके बाद शायद सब ठीक लगने लगेगा, अपनी कमर को सीधा कीजिए। अंशिका इससे पहले कि अपनी कमर सीधी कर पाती उससे पहले उसके मुंह का सारा दूध निकलकर शेखर के चेहरे पर जा गिरा। यह आपने क्या किया बहू रानी, भला कोई इस तरह से करता है क्या? शांता एक पल को काफी गुस्सा हो गई, मगर उन्होंने फिर भी धीमी आवाज में अंशिका को डांटते हुए कहा। उनकी बात सुनकर अंशिका ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सब लोगों को लग रहा था कि अंशिका डर से कांप रही है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो अपना सर झुकाकर हंस रही है। शेखर हमेशा काफी हैंडसम लगता था, आज भी उसने एक सूट और टाई पहनी थी और नाश्ता करने से पहले अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाए थे, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मल्होत्रा परिवार का बड़ा बेटा है। उसके सर के बालों से लेकर उसके चेहरे तक दूध ही दूध फैला हुआ था जो उसके चेहरे से टपक कर उसके कपड़ों पर गिर रहा था। उसका हजारों रुपए का सूट एक झटके में खराब हो गया था। शांता काकी ने तुरंत एक टिश्यू उठाकर शेखर का सूट साफ करने की कोशिश की, लेकिन शेखर ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें वहीं पर रुक जाने का इशारा किया। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर गए। शेखर के गुस्से से सब लोग पूरी तरह वाकिफ थे और उन्हें यही लग रहा था कि अब शेखर अपनी बीवी को छोड़ेगा नहीं और गलती इसमें अंशिका की ही है, इसलिए सजा भी उसे ही मिलेगी। सब लोग अपना सर झुकाए शेखर के बोलने का इंतजार करने लगे। शेखर ने आराम से अपने सनग्लासेस उतारे और उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, तुम ही मेरे चेहरे से दूध साफ करोगी, इसमें तुम्हारी गलती है तो ये काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे अलावा और कोई इस काम को हाथ नहीं लगाएगा। ये सुनकर अंशिका हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। कभी कभी तो उसे यकीन ही नहीं होता था कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। वो जितना भी शेखर को समझने की कोशिश करती थी शेखर उसकी समझ में उतना ही परे होता जाता था, मगर उसने तुरंत दिमाग लगाया और एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। एक पल को शांता काकी डांट कर अंशिका को चुप कराने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने शेखर के चेहरे को देखा और वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहां पर किसी के भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मुझे वापस कमरे में ले चलो ताकि मैं शार ले सकूं। इस बार भी शेखर की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी डोमिनेटिंग और स्ट्रांग आवाज को इग्नोर करना इतना आसान नहीं था। शावर फिर से? ये सुनकर अंशिका का चेहरा जो अभी अभी काफी मुश्किल से वापस नॉर्मल हुआ था वो एक बार फिर लाल होने लगा। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था कि कोई भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख ना पाए, मगर उसने ये नहीं देखा कि शेखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आखिर में अपना सिर झुकाए अंशिका उसके पास आई और उसने शेखर का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाने लगी। शांता काकी ने उन दोनों को ऊपर जाते हुए देखा और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उनकी आंखें भर आईं। उन्हें एक पल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। 5 साल पहले शेखर के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद शेखर कभी भी इस तरह से नहीं मुस्कुराता था।
उसके चेहरे पर हमेशा एक नकली और बनावटी हंसी होती थी और वो कभी कभी आती थी, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच खुश है। ऐसे में शांता काकी ये सोचने लगी कि क्या सचमुच शेखर को पागल लड़की पसंद आ रही है। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अंशिका के साथ पहले से बेहतर बर्ताव करेंगी और घर के सारे नौकरों को भी समझा दिया कि उन्हें भी छोटी बहू रानी के साथ अच्छे से पेश आना है। वहीं ऊपर कमरे में जाते ही शेखर ने अंशिका को ऑर्डर दिया, पहले मेरे कपड़े उतारो। अंशिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी और उसने शेखर को टालने के लिए कहा, कपड़े उतारूं? नहीं नहीं, मैं टिश्यू से तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ, अगर तुम इतनी सुबह सुबह दोबारा नहाने जाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब अंशिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर उसे पहले पता होता कि शेखर के मुंह पर दूध की पिचकारी मारने से उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है तो वो कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन अब उसे दोबारा से शेखर को तैयार करना पड़ेगा और उसे नहलाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शेखर ने आराम से जवाब दिया, अगर तुम इस बार गर्म पानी का इस्तेमाल करोगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। अंशिका के पास उसे मना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जगह से अब तक हिल भी नहीं रही थी और चुपचाप एक जगह पर खड़ी हुई थी। शेखर ने कुछ देर तक उसका इंतजार किया और उसके बाद पूछा, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने सारे कपड़े उतार लेता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। अंशिका ने तुरंत एक एक करके उसके बटन खोलने शुरू किए और पहले उसका कोट उतारा और उसके बाद पैंट और आखिर में उसकी शर्ट। जब शेखर के शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा बचा था तब अंशिका अपनी जगह पर ही रुक गई। वो आगे ना तो कुछ कर सकती थी और ना ही करना चाहती थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था। एक लड़की जो कभी किसी लड़के के ज़्यादा नज़दीक नहीं गई, यहाँ तक कि उसने कभी किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं की, वो आज अचानक से एक लड़के के कपड़े बदल रही थी। ये उसके लिए एक बेहद बड़ा बदलाव था। अब तुम बाहर जा सकती हो, शेखर ने अंशिका को ऑर्डर देते हुए कहा और अंशिका भी जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। शेखर की बात सुनकर वो तुरंत बाथरूम से भागते हुए बाहर निकली और उसने बाथरूम का दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। अंदर शेखर ने शार चलाया और ठंडा पानी उसके चेहरे पर गिरने लगा। वो उस पानी से ना सिर्फ अपने मुंह पर पड़ा हुआ दूध साफ कर रहा था बल्कि अपने शरीर की गर्मी की आग को भी बुझाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 5 सालों से वो किसी साधु संत के जैसी ज़िंदगी जी रहा था, जैसे उसने अपने अंदर की सारी चाहतों को मार दिया हो। लेकिन पता नहीं कल रात उसे क्या हुआ, उसे खुद भी ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए कल रात अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। शेखर देर तक नहाता रहा और उसके बाद वो अपनी बॉडी पर एक टावल लपेटकर बाहर आ गया। वो महसूस कर सकता था कि पूरे कमरे में कोई नहीं है। जैसे ही वो बेड के पास पहुंचा, उसका हाथ बेड पर रखे हुए उसके कपड़ों पर गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, बाहर आओ। तभी उसे अचानक से अलमारी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और अंदर से अंशिका चोरी छुपे उसे देखने लगी। उसने देखा कि शेखर ने अपनी बॉडी पर एक टाल लपेट रखा है और उसके 6-पैक एब्स साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये देखकर अंशिका ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। वो तो बस यहाँ अलमारी में छुपकर ये देखना चाहती थी कि क्या शेखर सचमुच अंधा है या सिर्फ अंधा होने का दिखावा कर रहा है, मगर वो ठीक से फोकस ही नहीं कर पा रही थी। शेखर दिन और रात में ज़्यादातर अपने सनग्लासेस पहनकर रखता था, ऐसे में वो उसकी आंखें देख नहीं पाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी शेखर का बिहेवियर किसी नॉर्मल आदमी की तरह ही था। अंशिका पागल होने का नाटक कर रही थी, ऐसे में उसे लगा कि शायद शेखर भी अंधा होने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने ये आइडिया सोचा था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद ये आइडिया भी ठीक से काम नहीं करेगा। शेखर बेड के पास गया और अपने कपड़ों से कुछ ही दूरी पर बैठ गया, लेकिन उसने कपड़े पहने नहीं। उसने एक बार फिर अंशिका को आवाज़ लगाई, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा बाहर आओ। अंशिका ने अपनी सांसें रोकी हुई थी और वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रही थी। बाहर आने की बात तो दूर, उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर शेखर को कैसे पता चला कि वो कमरे में ही है। जब वो अलमारी में गई थी तब तो शेखर बाथरूम में था और उसका दरवाज़ा भी टाइटली बंद था। शेखर काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन अंशिका बाहर नहीं निकली तो उसने अपना टाल उतार दिया और इसी के साथ अलमारी के अंदर से एक लड़की की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और अंशिका किसी बॉल की तरह लुढ़कती हुई बाहर निकली। उसका एक हाथ उसकी आंखों पर था और दूसरे हाथ से उसने अपना टेडी बियर पकड़ा हुआ था। तुम चोरी छुपे मुझे देख रही थी, शेखर ने आराम से कहा। वो सवाल नहीं कर रहा था बल्कि उसे बता रहा था। अंशिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन में सोचा, इसे कौन बताए कि मैं उसे नहीं देख रही थी, बल्कि मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो सचमुच अंधा है या नहीं। लेकिन ये तो पूरा ही बेशरम निकला। आखिर ऐसे कैसे कोई लड़का किसी के सामने अपने कपड़े उतार सकता है, और मुझे क्या शौक होगा इसे बिना कपड़ों के देखने का। अपनी पूरी जिंदगी में उसे इतनी शर्मिंदगी पहले कभी नहीं हुई थी। इतना कहकर शेखर ने
बिस्तर पर पड़े हुए वो कपड़े उठाए और आराम से उन्हें पहनने लगा। अंशिका अपने हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े हुए भागकर अपने कमरे से चले जाना चाहती थी, मगर तभी शेखर ने तुरंत फुर्ती से आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंशिका ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसे एक बार को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर ही आ जाएगा। अंशिका ने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की। उसकी सांसें एकदम तेज थीं और बेशक वो ये बात जानती थी कि शेखर उसे देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसी वक्त किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, सर बड़े साहब आए हैं। उसकी आवाज से जैसे ही शेखर का ध्यान भटका, वैसे ही अंशिका ने अपना हाथ छुड़ा दिया और वो बाहर चली गई। शेखर अभी भी उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी बार मुझसे बच सकती हो। स्टडी रूम के अंदर राजकमल मल्होत्रा सोफे पर बैठे हुए थे और शेखर उनके सामने हमेशा की तरह काफी इज्जत से खड़ा था। राजकमल ने एक नज़र ध्यान से अपने पोते की तरफ देखा और जब उन्होंने इसके चेहरे के सुकून को पढ़ा तो उनके दिल से जैसे सारा बोझ उतर गया। उनके दो बेटे थे। उनका बड़ा बेटा काफ़ी नॉर्मल था, उसमें कोई खास बात नहीं थी, और छोटा बेटा काफ़ी उदास रहता था, इसलिए उन्हें अपने बेटे कुछ खास पसंद नहीं थे। ऐसे में जब उन्हें तीन पोते हुए तो वो यही उम्मीद करने लगे कि किसी एक में तो उन्हें अपनी जवानी की झलक दिखाई देगी, और बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके जैसा सिर्फ एक ही था। उनका सबसे बड़ा पोता शेखर, वो ना सिर्फ काफ़ी स्मार्ट था बल्कि काफ़ी हैंडसम भी था। बचपन से ही उन्होंने उसे घर के इकलौते चिराग की तरह पाला था। अगर 5 साल पहले वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज उनका ये पोता सारी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज संभाल रहा होता और उन्हें इस उम्र में कंपनी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। क्या तुम्हें राजेंद्र वर्मा की बेटी ठीक लगी? राजकमल ने आखिरकार वो सवाल पूछा जो बहुत देर से उनके मन में था। हाँ, वो इतनी भी बुरी नहीं है, शेखर ने जवाब दिया। ये कहते हुए अनजाने में ही सही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई जिसे देखकर राजकमल की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने पिछले 5 सालों में कभी अपने पोते को मुस्कुराते नहीं देखा था। उनका चेहरा भी काफ़ी खिल उठा और उन्होंने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी के दिन तो उसके चेहरे पर घूंघट था और वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई थी, लेकिन अब जब वो हमारे घर का हिस्सा बन चुकी है तो बेहतर होगा कि हम भी एक दूसरे को जान लें। बहू को यहाँ बुलाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। राजेंद्र वर्मा से लेकर शेखर तक सब जानते थे कि अगर राजकमल मल्होत्रा को यह पता चला कि उनके प्यारे पोते की शादी एक पागल लड़की से हुई है तो वो अपना आपा खो बैठेंगे। शेखर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आखिर कैसे इस मुश्किल से बाहर निकले। आखिर क्या होगा जब दादाजी को अंशिका की असलियत पता चलेगी? क्या सच में शेखर अंशिका को पसंद करने लगा है? क्या अंशिका के मन में भी शेखर के लिए जज्बात उमड़ आएंगे? क्या शेखर सच में अंधा है या वो भी कोई नाटक कर रहा है?